नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि किस डेट से किस डेट के बीच में अगर आपकी ये जाती है तो आप SSC GD में फॉर्म भर सकते हैं। और आपको अपनी अच्छे से तैयारी करनी है, PDFs चाहिए, आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल खोला हुआ है, तो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बेसिक टू टॉप स्टडी, इसकी मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहते हैं जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम PDFs भी देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पर हमने आपके प्रीवियस जो आपकी जो 2021 में भर्ती हुई है उसकी हमने आपको पूरी प्रोवाइड करा दिए हैं। PDFs कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे वो यहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी तमाम PDFs मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है? तो आप चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन हैं जिनको आप पूछना चाहते हैं वो आप देखिए। यहाँ पर SSC GD में UR और EWS के कैंडिडेट्स जो 2 तारीख 1 महीना 1997 के बाद में जिनका जन्म हुआ हो और 1/1/2005 से पहले इनका जन्म हुआ हो वो आवेदन कर सकते हैं। जिनको पिछली बार मौका नहीं मिला उनको इस बार मौका मिल रहा है। रिक्तियों की संख्या क्या है? रिक्तियों संख्या बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन इतनी ही रिक्तियां और आ सकती हैं 2023 के अंतर्गत। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। जिनकी अभी इस क्राइटेरिया के अंदर एज नहीं आई है तो वो भी तैयारी करते रहें, क्योंकि उन्हें भी इसी 2023 के अंदर एक और वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है, ये कन्फर्म है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चंस आपके हैं वो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, यानी SSC GD में कौन फॉर्म भर सकता है, तो यहाँ पर 18 से 23 साल के अंतर्गत जो जनरल कैंडिडेट आ रहे थे वो फॉर्म भर सकते थे। यहाँ पर अतिरिक्त 3 साल की छूट दे दी गई है, इस कारण आप 18 से अगर 26 साल के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी हमने बताया 2/1/1997 से, और अगर आपकी एज 1 जनवरी 2005 तक आ रही है, पहले आ रही है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप 1 जनवरी 2005 के भी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं इस डेट तक के। अगर आप 2 तारीख के हैं तो आप नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पर 2 जनवरी, यानी अगर आप 1 जनवरी हुआ तो भी आप नहीं भर पाएंगे। तो जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए बात कही जा रही है। और जो OBC कैंडिडेट हैं उनको, उनकी जो एज है वो किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आएगी, तो यहाँ पर जो OBC वाले होंगे तो यानी 26 साल से 26 तक तो जनरल वाली हो गई, तो इसमें आप 3 साल और जोड़ लीजिए, यानी आप 29 साल तक के भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो आपकी एज है, OBC वालों की जो एज है वो 2 जनवरी 1994 के बाद और 1 जनवरी 2005 से पहले अगर है तो वो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर आ रहे हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से SC ST वाले अगर 2 जनवरी 1992 से के बाद के और 1 जनवरी 2005 से पहले के हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी 31 साल तक के कैंडिडेट्स भर सकते हैं SC ST वाले, क्योंकि इन्हें 5 साल की छूट मिलती है। 26 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। इसी प्रकार के आप देखेंगे, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो कितनी रहेगी। तो 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने गलत करा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, यानी 1/2 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है? तो अभी आपका जो पैटर्न है वो एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। यानी जो आपके क्वेश्चंस पहले 25-25 क्वेश्चंस आया करते थे हर सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी से 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन थे, मैथ से 25 क्वेश्चन थे और GS GK से 25 क्वेश्चन थे, तो वो अब क्वेश्चन की संख्या जो कर दी गई है वो 20, हर सब्जेक्ट की 20-20 कर दी गई है, और प्रत्येक पे 2 नंबर मिलेगा, यानी 40 नंबर के आपके क्वेश्चंस होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है उसका, फॉर्म के लिए योग्यता क्या है, तो आपको यहाँ पर अगर आप 10वीं भी पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगला, इसका नोटिफिकेशन तो SSC के कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में आना था, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो इसमें देखिए क्या है कि मोदी का मिशन मोड के अनुसार ये भर्ती कराई जा रही है, ट्रेनिंग कंप्लीट करके भेज दी जाएगी इस वजह से, यानी 2023 में इसकी ट्रेनिंग करके, मतलब ट्रेनिंग
आपकी हो जाएगी और आपको भेज दिया जाएगा। यानी आपकी ये प्रोसेस इतनी जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी ये प्रोसेस। क्वेश्चन पेपर के संभावित डेट क्या है, तो ये जनवरी माह में आपका पेपर होने वाला है, तो ये भी आप याद रखिए। जनवरी माह में लिखा हो तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 जनवरी से ये स्टार्ट कर दें। अब ये फॉर्म पे डिपेंड होगा, कितने फॉर्म आते हैं। यहाँ पे फॉर्म आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो गई है, क्योंकि 31 साल तक के कैंडिडेट्स अगर SC ST के डालेंगे, OBC के 29 साल तक के डालेंगे, तो बहुत ज़्यादा फॉर्म इसमें पड़ेगा। और जैसा कि आपको बता दिया कि वैकेंसी जो आपकी है, वो आपकी वैकेंसी 24,000 तक वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे जो पद कितने खाली हैं, देखो इससे आपको पता चलता है कि नेक्स्ट भर्ती भी आएगी। जो पद आपके खाली थे BSF में, वो आपके 30,153 पद थे, जबकि वहाँ पे अगर आप जाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे, तो आपके लगभग समथिंग 11,000 के समथिंग वहाँ पे आपको दिए हुए। तो ये देखिए आपका ये डाटा जो आपका था, ये खाली थी, ये पोस्टें थी, जो कि आंकड़ा था 1 मार्च 2021 तक का। तो यहाँ पर इतने कम पोस्ट क्यों दी जा रही है, तो इसका यही कारण है कि यहाँ पर जो इतनी कम पोस्ट दी जा रही है, यानी दूसरी भर्ती भी ये देना चाहते हैं। तो इस भर्ती में आपके पास बहुत कम समय है, यानी 2 मंथ है। आपको क्या करना, सबसे ज़्यादा आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको देखिए इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए टेक्स्ट बुक आप खरीद लीजिए। टेक्स्ट बुक उसकी लिंक मैं इस अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके आप खरीद लीजिए, आपको डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बुक से पढ़ना है, ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में नहीं पढ़ना। अगर आप यूट्यूब के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ये रियलिटी है, क्योंकि वहाँ पे आप कन्फ्यूज होते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक अपनानी है। टेक्स्ट बुक में सब आपको एक्सप्लेनेशन नीचे दी जाती है, जहाँ से आप जाकर के अपने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और जो टॉपिक आपका कमज़ोर है, वही टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी तैयारी कर दीजिए, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है या मेरा जो यूट्यूब चैनल है, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, अगर आप यहाँ पर जुड़े रहते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए सब अपडेट आपको मैं दे देता हूँ। यहाँ पर इससे पहले मैं अपनी वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर SSGD का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सभी पोस्ट थी वो आपको बताई हुई थी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और जिससे कि आप अपनी अच्छे से जानकारी ग्रहण कर सकें। और यहाँ पर मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है, इसके अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मैं आगे जब भी वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ सब्जेक्ट आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं आपको यहाँ पे पूरा कोशिश करूँगा कि हिंदी मैथ का पोर्शन आपको मैं कराऊँ। तो आप यहाँ पर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन तो ज़रूर पोस्ट करूँगा, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। अगर मैं वीडियो बनाने में असमर्थ भी रहता हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, तो आप उन क्वेश्चन से अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।